नमस्कार, जय जोहार, क्या हालचाल। मेरे नए YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आपने मेरा बैनर देख लिया होगा कि वीडियो किस मुद्दे पर है। YouTube पर आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिन्होंने राजा रवि वर्मा के बारे में जानकारी दी होगी, पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैं आपको बताऊँगा। वो बात सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। वैसे मैंने इस वीडियो में ज़्यादा फोटो नहीं यूज़ किया है, क्योंकि इससे कॉपीराइट या क्लेम आने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए नो बकवास ओनली टॉक। राजा रवि वर्मा भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम, एक ऐसा चित्रकार जिन्होंने सबसे पहले भगवान का काल्पनिक चित्र बनाया था। आपको यह बात सुनकर अजीब लग रहा होगा, पर यह सच है। उनका बुक आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को यह बात अच्छी लगेगी और कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, पर सच्चाई यही है। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। राजा रवि वर्मा मंदिर के चूने से पोते हुए दीवार पर कोयले से घोड़ों का, पशु पक्षियों का चित्र बनाया करते थे। मंदिर के सेवक उनको चिल्लाते थे, डांटते थे। उन्होंने राजा रवि वर्मा को धमकी भी दिया और चिल्लाया, डांटा और बोला भी कि स्वामी से इसका शिकायत किया जाएगा करके। और मंदिर के सेवक ने बकायदा राजा रवि वर्मा के इस शरारत के बारे में मंदिर के स्वामी को जाकर बताया। जब स्वामी आकर देखे तो उनका चित्र देखकर देखते रह गए, क्योंकि वह चित्र स्वामी के भांजे कुच्चू ने बनाया था। वैसे कुच्चू राजा रवि वर्मा के बचपन का नाम था। मंदिर के स्वामी की बहन का बेटा था राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के मामा राजा राज वर्मा खुद ही एक अच्छे चित्रकार थे। केरल के दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था जो प्राकृतिक रूप से भरपूर था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम त्रिवेणम, पहले राजधानी त्रावणकोर थी। तिरुवनंतपुरम से 40 किलोमीटर दूर क्लिमानूर था। क्लिमानूर का मतलब तो हिरनों की भूमि होती है। इसका भी एक इतिहास है। 1728 में त्रावणकोर रानी के बच्चों की जान राजा रवि वर्मा ने बचाई थी। पुरस्कार के तौर पर रानी ने कृतिमानूर आसपास के जमीन को उनको पुरस्कार के रूप में दे दिया गया था। 19वीं सदी में राजा रवि वर्मा वहीं रहा करते थे। उनकी एक बहन भी थी। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 कृतिमानूर में हुआ था। वहां का वातावरण धार्मिक पूजा पाठ से भरा माहौल था। उस समय राजा रवि वर्मा 5 साल के खो चुके थे। नोट: रवि वर्मा पशु पक्षियों को देखते कल्पना करके चित्र बनाते थे। उनके नाम पर उपन्यास भी है, रवि वर्मा इंडियन आर्टिस्ट करके। रवि वर्मा के मामा ने प्रोत्साहन किया था चित्रकला के लिए। तब राजा रवि वर्मा 13 साल के भी हो चुके थे। बिना कल्पना के एक चित्रकार एक चित्र कैसे बना सकता है, उसी तरह राजा रवि वर्मा को भी बहुत सारे चीज़ों को देखकर कल्पना उनके मन में होती थी कि कैसे चित्र बनाया जाए। महाराज अयल्यम तिरुनाल नाम का एक राजा था। उनके परिवार में चित्रकला के रूप में चित्रकार के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनका नाम रामास्वामी नायकर था।
ये वही इंसान हैं जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तरह बहुत बड़े विद्वान थे। राजा रवि वर्मा से पहले भी वो बहुत अच्छे चित्रकार थे। वहाँ के राजा ने उनको यह आदेश दिया कि राजा रवि वर्मा को आप अच्छे से चित्रकला सिखाएं। उन्होंने महाराज की बात को मानते हुए उनको चित्रकला सिखाने के लिए हामी भर दी। मगर परिहार रामास्वामी नायकर को राजा रवि वर्मा थोड़ा भी पसंद नहीं करते थे। समय का माहौल ही अलग था। उस समय गांधी जी, स्वामी विवेकानंद तक भी बकायदा राजा रवि वर्मा से मिलने गए थे। राजा रवि वर्मा को देवी देवता में बहुत आस्था था, क्योंकि बचपन में ही उनको ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और बचपन से ही उनका माहौल वैसा था। वो पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत का बहुत ज़्यादा अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, सोचते थे। मतलब उस समय चित्रकला पहले से ही बहुत अच्छा था। एक चित्रकार जेनसेन राज घराने का चित्र बनाया करते थे। वो यूरोप से चित्र बनाने आया करते थे और वो यूरोप के चित्रकार थे। इस तरह आप समझ सकते हैं कि राजा रवि वर्मा ने आखिर भगवान का काल्पनिक चित्र कैसे बनाया होगा, क्योंकि उस समय का माहौल अलग था। उस समय पूजा पाठ, देवी देवता, मंदिर और बहुत सारे चित्रकला भारत में उपस्थित थे। उससे पहले भी बहुत सारे मूर्ति बनी थी और बहुत सारे चित्रकार थे जो यहाँ आकर चित्र बनाया करते थे। राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे पुरस्कार जीते भी थे। कुछ हद तक देखा जाए तो राजा रवि वर्मा के बारे में उनके बुक में कुछ कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उनके बारे में बताया गया है। हालांकि पार्ट टू वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि राजा रवि वर्मा ने भगवान का काल्पनिक चित्र कैसे और क्यों बनाया था। बकायदा आपको मैं बताऊंगा सबूत और तथ्य के साथ में। तो यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।